师傅。हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि आज का वीडियो हमारा जो है ट्रैवल ब्लॉग है, और आपको हम ले जा रहे हैं एक बढ़िया सी जगह पे दोस्तों। तो गाजियाबाद से करीब 200 किलोमीटर का ड्राइव है हमारा यहाँ का, 180-90 के आसपास है जाना और 180-90 वापस आना। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंदर, दिखाते हैं आपको मस्त जगह पे और आगे बताएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं। वैसे आपको पता लग ही गया होगा वीडियो देख करके थंबनेल में। तो चलते हैं वीडियो में आगे, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी। चलिए दोस्तों अभी हम लोग गाजियाबाद से ही निकल रहे हैं बस हम अभी, और ये हम लोग आगे आर्य नगर वाली रोड पे हैं। बारम मेरठ रोड को जो है आगे एक्सेस करेंगे, मतलब मेरठ रोड से लिंक हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम आर्य नगर चौराहे के पास पहुँच गए हैं, और मेरे सामने एक गाड़ी चल रही है 700। मैं आपको दिखाता हूँ, नई गाड़ी है, और गाड़ी का सिचुएशन देखो क्या कचरा बना रखा है गाड़ी का। ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सामने देखिए गाड़ी का हाल, ये गाड़ी का हाल है, कचरा बना रखा है बिल्कुल गाड़ी को। तो दोस्तों ऐसे ना रखें गाड़ी आपकी, अब जो है आप उसको प्यार करें उसके साथ में। तो आपसे आगे मिलते हैं, आगे हमारा वो चार हो जाएगा स्टार्ट हमारा मेरठ रोड। तो मैं मेरठ रोड पे आपको लेके जा रहा हूँ आगे। ये आगे हम लोग जो है शंकर माँ कार एक्सरी सिंगार वाले के पास में आ गए हम। यहाँ पे दुकान है इधर, ये पीके वाला जो है, पीके ग्लास का ग्लास हाउस, कार ग्लास वाला जो है रिपेयर एक्सपर्ट के आगे ये उसकी दुकान है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में, बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे जगह जगह के बारे में अपना। तो ये आगे सामने आ गया मेरठ रोड, हम मेरठ रोड के लिए मुड़ जाएंगे यहाँ से, यहाँ से राइट के लिए लेंगे आगे। तो दोस्तों आगे मुड़ने के बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों अभी हम लोग जो है मेरठ रोड पे हैं अभी आगे, यहाँ से हम लोग जो है आगे राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे आगे। तो दोस्तों वीडियो बने रहे आगे, अभी बीच बीच में आपको दिखाएंगे कितना टोल लगा, क्या लगा हमारा। ये सामने लाल रंग की गाड़ी चल रही है दोस्तों, इतनी ये भी काफ़ी गंदी है मतलब दो तो ले भाई गाड़ी दिखा लेगा, कम से कम चलाएगा। मैं किसी को वो नहीं कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों रैश ड्राइविंग। ये हम आगे गुलधर रैपिड एक्स का मेट्रो स्टेशन, और इसके बाद में जो है हमारा एक और आएगा स्टेशन आगे, उसके बाद जो है हम हाईवे पे KMP पे हम लोग पकड़ लेंगे एक्सप्रेसवे पे। तो आगे हम एक्सप्रेसवे पकड़ करके अपना करनाल से आगे निकलेंगे आगे दोस्तों। तो बने रहे वीडियो के अंदर, अच्छी लगेगी तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है आपने। और थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं गाड़ी के अंदर, सॉरी डीजल डलवा लेते हैं गाड़ी में। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गाड़ी में तेल है अभी 3 पॉइंट दिखा रहा है, और रेंज आ रही है गाड़ी पे हमारी अभी तक की 170 किलोमीटर। तो इस हिसाब से हम लोग जो है इसमें थोड़ा डीजल डलवाएंगे गाड़ी में अभी, उसके बाद डीजल डलवाने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों। हमारी गाड़ी का पेट हो चुका है फुल, फुल का मतलब हमने रास्ते में डीजल अपना डलवा चुकी है गाड़ी में, और हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है अब, और वे टू द डेस्टिनेशन। और इसके आगे का कमेंट्री हमारा पार्टनर आपको स्वाति जी जो हैं आपको आगे कमेंट्री करेंगी। दीजिए अब मैं हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं दुहाई मेट्रो स्टेशन, और हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए रैपिड एक्स मेट्रो डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। देखिए जल्दी पहुंचते हैं, आपके लिए सरप्राइज रहेगा कि हम कहाँ अपने डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। और गर्मी तो बहुत हो रही है वैसे अभी, पर लेकिन ठीक है, बीच में जितना ज़्यादा हो रहा था आप तो फिर भी कुछ आराम है। ये देखिए काफ़ी कुछ बन चुका है रैपिड एक्स का, ये जाएगा मेरठ तक हमारा, दिल्ली मेरठ का ये रूट बनेगा यहाँ रैपिड एक्स का। और अभी हम लोग जो है दोहाई क्रॉस किया है रैपिड एक्स का मेट्रो स्टेशन हमने, और बस इसके बाद में उसके तो 200 मीटर आगे हमारा कट है
केएमपी के लिए, केएमपी भी हम लोग जो एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे आगे। ये देखिए दोस्तों सामने आ ही गया है, ये बस है तो बस की वजह से दिख नहीं रहा है आपको, ये हमारा ये आगे कट आ गया है, ये देखिए ऊपर आ गया, आपको दिख नहीं रहा है कुंडली पे, कुंडली वाला रूट जो है इसी पे हम लोगों को जाना है, इसी पे हमने कटना है दोस्तों। ये लोग हम लोग इस पर कट चुके हैं। अब ये हमारा जो है, हमें क्या कहते हैं, केएमपी पे हम लोग जो चढ़ चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से हम लोग निकलेंगे अम्बाला वाले रोड पे, हम लोग पहुँचेंगे आगे करनाल होकर के आगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो दोस्तों बैक टू द मैडम, मैडम आपको बताएंगी आगे की हमारा टूर कितना लगा, क्या लगा है। आगे बता देंगे सब आपको दोस्तों, हम डिटेल साथ साथ आपको देते रहेंगे। अभी हम ऑन द वे हैं और हम चल चुके हैं इस समय हाईवे पे। हाँ हाँ बस ठीक है, हम आपको फिर आगे मिलते हैं, कंटिन्यू रहेगी हमारी जर्नी। ओके दोस्तों, बस हम लोग अपने डेस्टिनेशन से 10 मिनट की दूरी पे हैं और लगभग 10 मिनट में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। बाकी आपको बाहर पहुंच के दिखाता हूं। ये देखिए हम लोग करनाल क्रॉस करके बाहर अपना अम्बाला रोड पे आ चुके हैं, तो उसी रोड पे है आगे हाईवे पे हमारा ये। तो अभी आपको हम लोग जो है सीधा पॉइंट पर अपने मिलते हैं, आपको बाहर से व्यू वगैरह सब दिखाते हैं आपको। तो बने रहे वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज कीजिए हम लोगों को। तो मिलते हैं आगे दोस्तों हम लोग। दोस्तों जैसे आप सामने देख रहे हैं, अभी हम लोग बताया था मैंने आपको, बस अब 5-10 मिनट का रास्ता था, बस मुश्किल से पहुंच गए, अभी हम लोग 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से। तो आगे आपको मैं उसका कुछ लुक दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ आगे का आपको, द ग्रेट खली ढाबा। ये देखिए रॉयल हट है जेलत बराबर में, रॉयल हट ढाबा। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे और थोड़ा सा आगे, और मुश्किल से 700 मीटर और है। बहुत फेमस है, सुनने में बहुत आया था, हमने लगा आज आपको एक ट्रैवल ब्लॉग में ढाबा दिखाया जाए, खली ग्रेट खली। और देखिए सामने दोस्तों बोर्ड लगा हुआ आ गया, द ग्रेट खली ढाबा। देखिए नीचे कैसे जाएंगे, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, कट 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 कट, आगे से भी था वैसे तो कट, द ग्रेट खली ढाबा तो बंद हो गया क्या, लग रहा है अभी। ये देखिए दोस्तों सामने हम लोग आगे ग्रेट खली ढाबा के अंदर, और ये आपको सामने दिखाते हैं, ये कुछ लोग ऐसा है यहाँ का, देखिए दोस्तों ये आगे खाली खाली सब है।